छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं होगा तो कॉलेज में किया जाएगा तालाबंदी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया कॉलेज द्वारा इकाई गया महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर महाविद्यालय की वर्तमान अनियमित लाचार शैक्षणिक व्यवस्था एवं छात्र छात्राओं को हो रही अन्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अवाभिव गया महाविद्यालय अध्यक्ष विनायक ने बताया कि प्रथम वर्ष नामांकन फॉर्म के नाम पर कॉलेज प्रशासन अवैध वसूली कर रही है। वहीं वोकेशनल एवं प्रोफेशनल कोर्स के TC CLC के नाम पर छात्र छात्राओं से मोटी रकम लिया जा रहा है, जो छात्राओं पर हो रहे आर्थिक शोषण को दर्शाता है, जिसे जल्द बंद करना होगा। गया महाविद्यालय जो एक समय पूरे मगध का शिक्षा का मूल केंद्र बिंदु हुआ करता था, वह अब पूरी तरह से ध्वस्त हो दिख रहा है। इतने बड़े कैंपस में ना तो कहीं पीने का शुद्ध जल है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधा से वंचित भी रखा जा रहा है। बीते महीनों से भोकनेश्वर की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। महाविद्यालय के क्लासरूम में बिजली की व्यवस्था न होने के कारण पंखे बंद रहते हैं, कक्षा का नियमित संचालन भी नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालय के आदेश के बावजूद सभी शिक्षक एवं शिक्षेत्र कर्मचारी नियमित तौर पर अपने विभागों में उपलब्ध नहीं मिलते हैं। नामांकन नाम पर सिर्फ अवैध वसूली की जाती है। विद्यार्थी परिषद अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्राचार्य को यह चेतावनी देती है कि अगर जल्द इस व्यवस्था का सुदृढ़ नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद पुनः जोर आंदोलन करेगी एवं ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इस कुव्यवस्था से संलिप्त हैं उन्हें पद से हटाने का काम करेगी। छात्र हित में विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्ष करते रही है। अभाविक गया सहमंत्री सिमरन कुमारी ने कहा कि कॉलेज गया में छात्रावास किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होनी चाहिए। जब विश्वविद्यालय वर्ग संचालन की नोटिफिकेशन की तो कॉलेज प्रशासन कौन होता है छात्रावास बंद करने वाले। छात्रावास बंद होने से छात्राओं पढ़ाई पर गलत असर पड़ेगा। छात्रावास बंद होती है तो सड़क जाम किया जाएगा और उग्र आंदोलन होगी। वहीं असामाजिक तत्वों का जाम बड़ा गया कॉलेज में बढ़ गया है। छात्राओं के साथ छेड़खानी आम हो गई है, जिसे रोकने में कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से असमर्थ है। अगर छेड़खानी जैसी घटना को जल्द नहीं रोका जाता है तो एक बड़ी घटना किसी वक्त कॉलेज में घट सकती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतनी बड़ा कैंपस होने के बावजूद महिला सुरक्षा सेल और प्लेसमेंट सेल नहीं होने के एक और यहां पढ़ रही छात्रा पूरी तरह असुरक्षित है तो दूसरी ओर वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई करने वाले छात्र कॉलेज से बेरोजगार बनकर निकल रहे हैं। उन सेल का गठन होना चाहिए, तभी छात्र छात्राओं की भविष्य बर्बाद होने से बचेगा। महिला छात्रावास की समस्याओं को निरंतर प्रचार को लिखित रूप से दिया गया है, पर अभी तक यथात स्थिति बनी है। महिला छात्रावास की जो प्रचार छात्रा विरोधी नीति को दर्शाता है, छात्रावास की समस्या को समाधान जल्द नहीं किया जाएगा तो अभाविप की इस महिला छात्र नेत्री कॉलेज प्रशासन को जुटी बहनाने का काम करेगी। पूरे कैंपस में CCTV कैमरे जल्द लगाया जाना भी जरूरी है। गया कॉलेज प्राचार्य महोदय जब धरना पर बैठे अभाविप के छात्र छात्राओं को समझाने आए तो छात्रों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ गया। उसके बाद प्राचार्य को वहाँ से जाना पड़ गया और अभाविप के छात्र नेताओं गया कॉलेज प्रशासन विरोध नारे और भाषण देने लगे। पुनः संध्या प्रचार आए उस समय भी प्राचार्य को छात्र नेताओं का विरोध सहना पड़ा। किसी तरह अभाविप के छात्र नेताओं को समझाया गया। उसके उपरांत प्राचार्य और अभाविप के छात्र नेताओं ने सारी समस्याओं पर वार्ता हुई। उन सभी समस्याओं को जल्द पूरा करने की लिखित आश्वासन गया कॉलेज प्रशासन ने दिया। इस मौके पर गया कॉलेज अध्यक्ष विनायक कुमार, पाला सिंह, गौतम सिंह, राहुल कुमार, शशि कुमार, अर्थन कुमार, अंकित कुमार, अंकित सागर, विशाल कुमार, शिवम कुमार, बोली कुमार, नन्नी कुमारी, अरब कुमार, शाहजन कुमार, रोहन कुमार, शोषण कुमार, प्रदेश मंत्री सुरेश सिंह, विभाग संगठन मंत्री पशुपति नाथ, अभिमन्यु जिला संयोजक राजीव रंजन कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रिया सिंह, महानगर मंत्री मैक्स अवस्थी, अगुलसन कुमार, विपिन शाह, रजनीकांत, ऋतिक, रोशन, सौरभ सिंह, आयुष कुमार आदि मौजूद थे। गया कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना रखा गया। गया कॉलेज प्रचार महोदय को गया कॉलेज के समस्या को लेकर कई बार हमने ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस पर कार्य नहीं किए गए। गया कॉलेज में इतना बड़ा कॉलेज है, गया कॉलेज यहाँ पे मतलब हर एक डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट में पानी नहीं है। यहाँ पे दो जगह पानी है, सिर्फ परीक्षा विभाग, एक लाइब्रेरी में। बताइए छात्र वहाँ से अपना डिपार्टमेंट से जाएंगे लाइब्रेरी में पानी पीने के लिए, वहाँ भी उनको पता नहीं है कि कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है। और सारी समस्या यहाँ पे कुछ दिन पहले ही जब प्रिंसिपल से मैंने बात किया, एक छात्रा का साइकिल चोरी हो गया। बताइए छात्र यहाँ पे नामांकन लेते हैं, वो अपना जो भी फीस रहता है, नामांकन फीस रहता है 500, 600,
2000-3000 जो भी रहता है छात्र पूरा पूरी इनको पैसा देते हैं, लेकिन छात्र के साथ फिर भी समस्या आ रहा है। एक साइकिल चोरी है, उनका जुर्माना कौन देगा? यहाँ से तो पैसा देंगे नहीं। इनको जब पास के लिए मैंने जाके बोला ही नहीं। एक, एक सवाल है, यहाँ पर साइकिल स्टैंड है या नहीं? साइकिल स्टैंड है बाहर में गेट के बाहर, लेकिन वहाँ पे पास उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है कॉलेज के द्वारा। तो उन्हीं को लेकर मैंने एक छात्र का यहाँ पे साइकिल चोरी हुआ, तो पहचान महोदय के पास मैंने गया छात्र को लेकर, तो पहचान महोदय यहाँ बोले कि उपेंद्र सर ये मतलब साइकिल स्टैंड है लेकिन सुचारू ढंग से नहीं चलता है, यहाँ पे पास उपलब्ध नहीं छात्रों को कराया गया है, और वो सब का पैसा जोड़ के एडमिशन के टाइम में लिया जाता है छात्रों से। मतलब को लेकर के धरना है, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, जैसे कि कैंपस में सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा, वोकेशनल कोर्स की जिस तरह से क्लासबंदी हो चुकी थी, फिलहाल चली है लेकिन उस बेसिस पर नहीं चली है जिसे चलना चाहिए था, और कैंपस सिलेक्शन वगैरह भी हमारे कॉलेजेस में नहीं है। गया कॉलेज के जितने भी पदाधिकारी हैं वो तमीज़ से बात नहीं करती हैं बच्चों से, और उनका पेपर फेंक देते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, कुछ उन्हें मर्यादा ही नहीं बचा है। इस तरह के अनेक समस्याएं हैं जिसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरना कर रही है, ताकि कॉलेज जो इस तरह के प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करे, और अपना शिक्षा जो उनका है, जो उनको देना चाहिए जिस ढंग से, उसको सही करे। खास करके छात्राओं के लिए किस तरीके की समस्याएं इस कॉलेज में होती हैं? कॉलेज में समस्या ये है कि कैंपस में कोई सुरक्षा नहीं है, जिस तरह से सुरक्षा होना चाहिए वैसा कोई सुरक्षा नहीं है छात्राओं के लिए। वॉशरूम वगैरह भी उतने अवेलेबल नहीं है जितने होने चाहिए, एक कॉमन रूम में वो भी उतना साइड में है, तो जो छात्राएं नहीं आती हैं, जो कभी आती ही नहीं है कॉलेज एग्ज़ाम वगैरह देने आती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वॉशरूम वगैरह किधर है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट में वॉशरूम होना चाहिए गर्ल्स के लिए। प्रिंसिपल साहब को क्या सुझाव देना चाहेंगे? प्रिंसिपल साहब को यही सुझाव देना चाहेंगे कि कुर्सी पर बैठकर यहाँ प्रिंसिपल गिरी मत कीजिए। आप जिस काम के लिए आए हैं, छात्राओं के हित के लिए आए हैं, तो उसके लिए काम कीजिए। अच्छा एजुकेशन उनको प्रोवाइड कीजिए, जो उनको उनकी प्रॉब्लम्स है वो दूर कीजिए, और खास करके कैंपस सिलेक्शन करवाइए। अगर वोकेशनल कोर्स होता है तो इसका क्या मतलब है? वोकेशनल कोर्स के मतलब ही होता है कि आप कैंपस सिलेक्शन करवाएं, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं होता, किसी भी कॉलेज में नहीं होता है। अब अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।